हिमाचल प्रदेश के कई भागों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 24 घंटे में मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, ऊना के साथ कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 व 9 अगस्त के लिए कुछ भागों में बारिश का येलो अलर्ट है, तो वहीं 10 अगस्त के लिए जिला मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मॉनसून की बारिश 30 सितंबर तक जारी रहेगी। देखिए, अभी तक जो हमारे पास मानसून की बारिश करते हैं तो लगभग 30% तक कम रही है, 1 जून से लेकर के जो 7 अगस्त है तो 30% कम चल रही है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में -7% है, तो लगभग नॉर्मल के आसपास है। लेकिन चूंकि मानसून सीजन की जो रेनफॉल होती है वो हम लोग 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक कंसीडर करते हैं पूरे मानसून सीजन का, तो उम्मीद करते हैं जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी आगामी दिनों में बढ़ेगी और उससे हमारे पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल की रेंज में मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में रहने के चांसेज हैं। और जहाँ तक कि फोरकास्ट की बात है तो फिलहाल अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो मानसून ट्रफ के चलते पूर्वी हवाएं हिमाचल प्रदेश तक पहुँच रही हैं, उसके चलते एक स्पेल आपके पास बीती रात में रियलाइज़ हो चुका है, और आप देखेंगे कि जो जोगिंदरनगर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल के स्पेल्स रिपोर्ट हुए हैं। हाइएस्ट रेनफॉल जो है आपका 132 mm जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है, और आज भी हमारे पास उम्मीद है कि रात में जो है एक, जैसे आप कह सकते हैं कि जो लोअर हिमालय के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि मंडी है और आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है और हमीरपुर है, इनके आसपास जो एरिया है हमारे पास लोअर हिमालय के, तो वहाँ भी आज रात हमारे पास हैवी रेनफॉल के स्पेल आ सकते हैं। उसके लिए इन डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी जो और डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं उसके लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल होने के चांसेस है, तो उससे जो है मुख्यतः आपके पास येलो कलर का ही अलर्ट है। तो जो लोअर हिमालय है, लोअर रीजन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, उसमें थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होगी। देखिए, अगर आगामी दिनों की बात करते हैं तो रेनफॉल के जो स्पेल है हमारे पास हैवी रेनफॉल के, इक्का दुक्का आपके पास अगले 5 दिनों तक आते रहेंगे। तो मुख्यतः हमारे पास जो लोअर हिमालय का रीजन है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें आएगा, लेकिन उसके लिए हमने अभी येलो अलर्ट रखा हुआ, क्योंकि पूरे और रीजन है उस रीजन में हमारे पास रेनफॉल मॉडरेट से हैवी तक की चांसेस है, मुख्यतः मॉडरेट ही रहेगा। तो कल और परसों के लिए आप देखेंगे 8 और 9 के लिए हमारे पास मुख्यतः येलो कलर में ही वार्निंग है, तो हमें ध्यान रखना है, उसको वॉच रखना है, कोई ऐसी खास चांसेस नहीं है। लेकिन 10 तारीख में एक बार फिर से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और वो भी हमारे पास लोअर हिमालय में रहेगी, तो मंडी है आपके पास, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन, शिमला और कह सकते हैं कि जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, उस समय फिर से एक बार हमारे पास हैवी रेनफॉल आने के चांसेस 10 तारीख में रहेंगे। तो 10 तारीख के लिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, क्लाउड ब्रस्ट की चेतावनी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट में क्या होता है, आपके पास छोटे ड्यूरेशन में हमारे पास कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल होती है और एरिया भी छोटा होना चाहिए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया हो, तो उसमें अगर इतनी होती है तो हम लोग उसको क्लाउड ब्रस्ट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास डेटा उस जगह का अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो उस समय हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि उस जगह पर हमारे पास ऑब्जर्वेटरी ना हो, तो जो हमारे पास, हम उससे इग्नोर नहीं करते हैं कि नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो इतना डैमेज होता है निश्चित तौर पे ऊपर या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ हुआ होगा, तो वहाँ से आपके पास आ सकता है, जो कि हम लोग आपके पास जो डैमेज आप लोग रिपोर्ट करते हैं उसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि आपका क्लाउड बस्ट टाइप का इवेंट हुआ होगा। लेकिन जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तब तक हम आपको उसको बता नहीं सकते, और उसका पूर्वानुमान भी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मुख्यतः हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है उसका ही पूर्वानुमान देते हैं।